हेलो एवरीवन और द अचीवर्स सैल्यूट के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो द अचीवर्स टॉक में हेलो और फिर से स्वागत है आपका हमारे शो द अचीवर्स टॉक में और आज की हमारी गेस्ट हैं नन अदर देन डॉक्टर सुरवी शर्मा हैज अचीव्ड लॉट ऑफ माइलस्टोन इन डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी आई मस्ट से मैम यू आर एक्चुअली अपी टोम ऑफ इंस्पायरिंग वूमेन एंड आई रियली वांट टू नो कि अब आप मैरिड हैं राइट सो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ एंड देन योर पर्सनल लाइफ बिकॉज आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग हजबेंड एंड माई फैमिली इज़लो वेरी सपोर्टिंग दे आर ऑल डॉक्टर्स मुझे आई मीन आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मैं अपना क्लिनिक भी संभालूँ और पूरा घर भी संभालूँ अगर घर में है तो हम दोनों मी एंड माई हस्बेंड बिकॉज हम दोनों उस चीज़ से गुजरे हैं हमें पता है कि इसका कितना डिफिकल्ट है तो हम वी डिवाइड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन चोर्स अगर uh, कभी कभी माई हसबेंड कुक्स फूड तो मैं बर्तन धोती हूँ इट्स लाइक दैट सो यस हम डिवाइड करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट नाउ एम इन मेरट तो आई एम लिविंग विद माई इन लॉ सो एवरीबडी डिवाइड्स देर रिस्पांसिबिलिटीज एंड वी हैव पीपल टू हेल्प अस तो दैट्स हाउ आई मैनेज आई मीन आई एम नॉट वेरी ग्रेट आई एम नॉट अ सुपर वूमन जिसमें मैं कहूँगी कि नहीं मैं सब घर का काम भी करती हूँ और uh, क्लिनिक भी संभालती हूँ इट्स not difficult and it's not fair but yes apni responsibilities jitna ho sakta karte hai, and then we go to work also so yes well it's is. really good to hear that you are still breaking all the barriers out there and, yeah, and i really want you to give a message to the youth that are really idealizing you at some point that they want to be someone like you the enthusiasm you have is really wonderful so what's your advice for them my advice is uh, see talent is one thing बट uh, ज़रूरी नहीं जो टैलेंटेड है वो ही हमेशा आगे जाएगा रेस में देर शुड बी हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी आई मीन कंसिस्टेंसी इज़ द की इट इज़ नॉट वन डे टू डे इट्स एवरी डे थोड़ा 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 एंड मुझे पता है बोलना बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि यू नो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा फेलियर्स होते हैं फेलियर्स हों एक्सेप्ट करो एंड अगेन गेट अप एंड देन अगेन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन तो डेफिनेटली आप पहुँचोगे जरूर अपनी मंजिल तक आपका जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचोगे ज़रूर चाहे लेट पहुँचो बट पहुँचोगे ज़रूर सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इन हार्डवर्क इज द मेन थिंग एंड ऑफकोर्स टैलेंट हेल्प्स तो ये चीज़ है मैम आप जैसे कि आप भी जानती होंगी कि आज कल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि इफ़ यू आर नॉट दैट फेयर यू आर नॉट गुड लुकिंग इफ यू आर नॉट लुकिंग लाइक दैट यू आर नॉट गुड इस तरीके से सो आजकल क्या हो रहा है कि आप मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स आ रही हैं आई मस्ट नॉट नेम बट आई कैन टेक दैट जस्ट लाइक फैन लवली एंड दैट वाइट टोन पाउडर सो डज दिस थिंग एक्चुअली वर्क सी बेसिकली अनम दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज Uh, वो इस तरीके से मार्केट कर रहे बट फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड ने अपने फोरम में डाला था कि वट इट हैज़ इज नाइस इन अ माइंड जो कि बहुत ही कम इफेक्ट या कुछ प्रोटेक्शन देगा कुछ मेजर होता नहीं है उससे कमिंग बैक टू वाइट टोन पाउडर वाइट टोन पाउडर का कोई इफेक्ट नहीं है आपको बस वो कैमोफ्लाज uh, देता है वो बस छुपाएगा जो आपका uh, थोड़ा बहुत अगर कोई टैनिंग या कुछ है पाउडर्स आई डू नॉट सजेस्ट और आजकल डर्माटोलॉजिस्ट मना करते हैं बिकॉज उसमें एजबिस्टोज या कुछ ऐसे पाउडर है जिसको आप इनहेल कर सकते हैं इट्स नॉट गुड आपके फेफड़ों के लिए लंग्स के लिए इट्स नॉट गुड ठीक है स्किन वाइटनिंग क्रीम्स ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बैड थिंग इट्स अ रॉन्ग थिंग कि अगर आपको आपके स्किन कलर के लिए जज किया जाता है इनफैक्ट इंडियन कलर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर इट्स इनफैक्ट अगर आप बाहर जाएंगे पीपल लव आर कलर इफ यू लुक एट एक्ट्रेसिज

क्योंकि मार्केट में ना कुछ कुछ चीज़ों में स्टेरॉयड होता है जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो जिन्होंने जिनके किसी ने कि ऐसी किसी पार्लर वाले ने या फिर किसी ने भी बोल दिया कि आप ये क्रीम लगाओ इससे आप गोरे हो जाओगे बट होता क्या उस स्किन में उस क्रीम में होता है स्टेरॉइड जब तक आप स्टेरॉइड लगाओगे आपका डेफिनेटली थोड़ा कम होगा ठीक है बट जैसे ही आप छोड़ोगे आपका स्किन और ज़्यादा काला हो सकता है या फिर और इरीटेट हो सकता है एंड प्रॉब्लम क्या होती है फिर आ, उसको ठीक करने में आपकी स्किन को उसकी लत पड़ जाती है आप एडिक्ट हो जाते हो उस yes. थिंग के तो इसलिए काफ़ी क्रीम्स में स्टेरॉइड होता है काफ़ी क्रीम्स में हाइड्रोकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड अगर वो अनकंट्रोल तरीके से लगाई जाए तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है परमानेंटली देफोर जो क्रीम्स हैं प्रॉपर मेडिकेटेड क्रीम्स हैं वो किसी इन्फ्लुन्जर को देख के या फिर ऐसे ही लेके आप मत लगाइए आपका चेहरा है आपकी चमड़ी है इट्स योर पोजेस्ट इट्स योर यू नो डायमंडो योर यू सो इसलिए आप किसी डॉक्टर के पास ही जाके yeah. करिए कुछ भी करिए पूछ के करिए हार्डली टेक्स डजेंट टेक दैट मच ऑफ अ टाइम एंड जो नॉर्मल स्किन वाइटनिंग मार्केट में क्रीम्स हैं वो थोड़ा बहुत इफेक्ट देंगी बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसी प्रिपरेशन्स ना लें जिसमें स्टेरॉयड हो या फिर ऑल दीज थिंग दें जो आपको डा ताकि आप बाद में परेशान हो उस चीज़ को लेकर वेल आई मस्ट से एवरी थिंग दैट लुक्स गोल्ड इज़ नॉट एक्चुअली गोल्ड सो ऐसी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ट्रैप में मत फँसीए डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए राइट डिडिंग so, दो चीज़ें होती हैं आपका स्केल्प कैसा है अगर वो ऑयली है या फिर ड्राई है इफ़ यू हैव ऑयली स्के नॉर्मली शैम्पू भी उसी तरीके से आपको चूज करना चाहिए काफ़ी शैम्पूज में सोडियम लोराइल सल्फेट होता है एंड uh, अगर स्केल्प बहुत ज़्यादा ऑयली आपको हर दिन वॉश करने का, uh, का मन करता है तो आप वो शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं एंड बट अगर आपका ड्राई है और आप सल्फ़ेट वाले शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका स्कैल्प और ड्राई हो जाएगा सो फॉर ड्राई स्कैल्प आई टेल माई पेशेंट्स टू यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पूज ठीक है अगर आपके हेयर फ्रीजी हैं सो मेक श्योर दैट यू अच्छे से आप कंडीशनर जरूर लगाएं हेयर मास्क लगाएं इनफैक्ट हेयर ऑयल जिसमें कोकोनट ऑयल होता है वो आप अपने हेयर स्ट्रांथ पे लगा सकते हैं टू मेनटेन देम टू ताकि वो हाइड्रेटेड रहें क्योंकि आप, आपके डेली और मेरठ इन नॉर्थ में बहुत पल्यूशन है एंड इट कीप्स ऑन डैमेजिंग योर हेयर तो उस चीज़ के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शैम्पू एटलीस्ट वीक में दो से तीन बार एंड साथ के साथ आप कंडिश्नर भी अच्छे से अप्लाई करें अगर आप वर्कआउट करते हैं आपको मन करता है कि आपको रोज़ वॉश करना है तो वॉश कर रोज वॉश करने के लिए डेली यूज शैम्पू आते हैं वो स्पेसिफ़िक शैम्पू डेली वाले यूज़ करिए अगर आप नॉर्मल शैम्पू उस टाइम पे यूज़ करेंगे तो वो हेयर फॉल कराएगा बिकॉज कुछ भी आपके स्कैल्प में लगेगा एंड वो बहुत स्ट्रांग है तो उसे फॉल हो जाएगा एंड इफ़ यू हैव डैंड्रफ देन प्लीज़ 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 डो नॉट अप्लाई ऑयल डैंड्रफ ये बहुत बड़ी मिथ है कि हमारी मदर्स एंड हमारी नानी दादी हमें बोलती हैं कि तुम्हें तो बहुत डैंड्रफ हो रहा है चलो ऑयल लगाओ ऑयल से डैंड्रफ बढ़ता है बिकॉज डैंड्रफ इज़ कॉस्ड बाय अ फंगस कॉल्ड इज मालासीजी ऑफ फर्फर एंड उसका फेवरेट फूड होता है ऑयल अगर आप दो तो तीन दिन अपना हेयर वॉश नहीं करेंगे तो आपको ऑयली लगने लग जाता है ना yeah. मतलब आपके स्कैल्प में वो ग्लैंड हैं जो ऑयल खुद का बनाते हैं अगर आप उसके ऊपर तो अगर आपका स्कैल्प ऑयली हो रहा है तो डैंड्रफ बढ़ सकता है एंड उसके ऊपर आप और ऑयल लगाएंगे तो आपने तो खाना दे दिया ना फंगस को yeah. इसलिए ऑयल हम मना करते हैं जिनका डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प होता है एंड डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए देर आर सर्टन एंटी फंगल सल्यूशन इन या फिर या फिर डैंड्रफ के लिए मेडिकेटेड शैम्पूज़ आते हैं वो आप अपने डर्मेट से जाके ले सकते हैं एंड डैंड्रफ ट्रीट हो जाता है सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू सी कि आपका स्कैल्प टाइप क्या है और आपको उसके हिसाब से क्या यूज़ करना चाहिए ओके अनदर थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू नो इज कि आजकल मार्केट में काफ़ी तरीके के यू नो हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं हेयर रिमूवल वेज मैथड्स हैं कि कोई शेव कर लेता है या समर रिमूव इट यूजिंग थ्रेड बैक्स सो वॉट द वन गुड मैथड दैट यू रियली सजेस्ट सी बेसिकली ओके लेट मी ग्रेट दम फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट ठीक है सो वर्स्ट मैथड अगर फेस स्पेशली फॉर फेस बॉडी के लिए भी बट फेस के लिए वर्स्ट मैथड इज वैक्सिंग यस सो सी मैंने भी करी है वैक्सिंग uh, बचपन में मॉम्स तो लेके जाती हैं पार्लर में कराने के लिए जब आप वैक्स करते हो तो आप खुद देखो वो एक इतनी गर्म चीज़ होती है जब आप अपनी स्किन पर लगा रहे हो नंबर वन टेम्परेचर सेकेंडली आप पूरा एक स्ट्रिप लगाते हो और उसको यूँ खींच देते हो yes. ऑफकोर्स आपका हेयर एकदम से निकलेगा बट हेयर के साथ आपकी स्किन भी निकलती है आपको बोला जाता है ओके टैनिंग कम न, कम हो जाती है yeah. ऐसा कुछ नहीं होता इंडियन स्किन ब्राउन स्किन होती है अगर आपको कहीं चोट लगती है तो वो चोट आपने देखा होगा ठीक होती है ब्राउन हो जाती है मतलब वहाँ पे निशान आ जाता है उस टाइम तो ठीक लगोगे बट उस टाइम आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आप धूप में जाके आई एम मच श्योर सनस्क्रीन नहीं लगाते होगे yeah. वो स्किन आप बाद में टैनिंग करता है क्योंकि वो और सेंसिटिव एंड जब आप बार बार उसी एरिया में वैक्स स्पेशली आपने नोट मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों को यहाँ पे पिगमेंटेशन अपर लिप mm -hmm. एरिए में पिगमेंटेशन आ जाता है क्योंकि वो इतना वैक्स करते हैं उस एरिया को कि वो एरिया ही सेंसिटिव हो जाता है सो आई डू नॉट रिकमेंड वैक्सिंग फेशियल हेयर बिकॉज उससे आपकी स्किन सेंसिटिव होती है क्वालिटी खराब होती है बाद में उस पर टैनिंग होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं वैक्सिंग करने से नोटिस भी करते हैं काफ़ी लोग दाने हो जाना yeah. पिंपल हो जाते हैं फॉलिकुलाइटिस yes. हो जाता है क्योंकि आपने एक तरीके का इंजरी क्रिएट की है थ्रू वैक्सिंग सो आई नो दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग बट वैक्सिंग ऑल राइट वर्स्ट कमिंग टू सेकेंड इज आई वुड से थ्रेडिंग सो थ्रेडिंग आईब्रोज के लिए ठीक है इवन आई गेट इट डन बट अदर एरियाज़ लाइक अपर लिप या चिन में थ्रेडिंग से भी अब थोड़ा सा इंजरी क्रिएट हो जाता है बट नॉट एज बैड एज वैक्सिंग बट थ्रेडिंग से और भी बेकार चीज़ अब सेकेंड नंबर पर आई वुड कीप दोज क्रीम्स ऑल्सो ये जो वीट हेयर रिमूवल क्रीम्स आने लग गई हैं ना प्रॉब्लम क्या है इन हेयर रिमूवल क्रीम्स में बहुत केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं उसमें ना आपने नोटिस किया होगा उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कीप इट फॉर फाइव मिनट्स एंड देन यू रिमूव इट मतलब कुछ मिनट के लिए रखो और तब हटा दो काफ़ी पेशेंट्स उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि वो इतने स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं अगर आपने उसको ढंग से रिमूव नहीं किया लेकिन कॉज बर्न्स एंड अगेन क्योंकि वो केमिकल है वो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है तो फिर निशान भी पड़ सकता है तो फेस पे तो कभी भी प्लीज़ ये क्रीम्स मत लगाइए बॉडी पे भी लगाना है तो ध्यान से लगाइए तो इनफैक्ट मैं वर्स्ट कैटेगरी में तो पहले क्रीम्स को रखूँगी फिर वैक्सिंग uh, फिर थ्रेडिंग शेविंग नेक्स्ट शेविंग इज़ फाइन शेविंग इज़ गुड शेविंग को मैं दोनों को रिकमेंड करती हूँ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स अगर उनको लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं कर लेज़र हेयर रिडक्शन इज द बेस्ट इट्स द बेस्ट इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्काइज़ बट अगर शेविंग प्रेफर करते हैं तो शेविंग करने का एक प्रॉपर तरीका होता है तो तरीका सही चीज़ क्या है कि प्लीज़ वे नेवर यूर शेविंग प्लीज़ स्ट्रेच प्रॉपरली ये नहीं लूज नहीं बिकॉज कट्स होने के चांसेस हैं नंबर वन नंबर टू यूज़ अ शेविंग क्रीम और समथिंग विच हैज़ फोम डोंट डू ड्राई शेविंग अगेन ड्राई कट्स होने के चांसेस होते हैं नंबर थ्री आप इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल शेव करिए अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम या hmm. फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है नंबर फोर आपका शेविंग टूल्स टेराइल एकदम क्लीन होना चाहिए डू नॉट शेयर दीज थिंग्स इट कैन कॉज इन्फेक्शन्स तो शेविंग इज़ अ वेरी गुड मेथड स्पेशली फ़ीमे जिनके फाइन हेयर होते हैं आजकल आपने डर्मा प्लेनिंग भी अगर आपने सुना है तो हम मतलब वो एक टाइप का शेविंग ही हो गया एंड शेविंग इज़ सेफ शेविंग इज़ फाइन एंड अगेन इट्स अ मिथ कि अगर आप शेव करते हो तो वो एरिया में आपका जो हेयर है वो थिक हो जाता है इट इज़ अ मिथ वो आपको थिक दिखता है इसलिए क्योंकि नॉर्मली आपका स्किन जो हेयर है वो टेपर्ड होता है मतलब पतला उसका एक पतला टिप हो जाता है आपने उसको बीच से काट दिया तो वो थोड़ा स्क्वायर एंड हो गया बट वो बाद में नॉर्मल हो जाएगा सो mm. so, ऐसा नहीं है शेव करने से हेयर थिक हो जाते हैं इट्स मिथ एंड अगेन द लास्ट एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन बिकॉज लेज़र हेयर रिडक्शन इज सेफ इट गिव्स यू क्विकर रिजल्ट एंड इट शुड बी डन अंडर अ डर्माटोलॉजिस्ट और एक मशीन भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन के हिसाब से हम वैसे ट्रीटमेंट प्रॉपरली करें सो दिस इज माई रेटिंग

अगर मॉनसून होता है तो आपका जो एयर है आपके सराउंडिंग्स में वहाँ का जो नमी है वो बढ़ जाती है जब नमी बढ़ जाती है तो हेयर अपना खुद का मॉइस्चर लूज़ करने लग जाता है एंड उस वजह से हेयर फ्रिजीनेस बहुत अगर आपका ड्राई हेयर है तो उसमें तो वो नमी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है वो फ्रिजीनेस बढ़ जाती है तो वो फिर लोगों को पसंद नहीं आता एंड एंड बाकी हर टाइम की एक अपनी स्किन केयर और जैसे विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो उसके लिए तब हम आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए समर्स में अगेन आप स्वेट बहुत ज़्यादा करते हैं एंड टैनिंग की प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रीअप सनस्क्रीन री अप्लाई प्रॉपरली करते रहें अच्छे से तो हर एक वेदर में एक डिफरेंट थोड़ा बहुत स्किन केयर बेसिक स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होता है अदरवाइज देर इज़ नो बहुत अगर आप वेदर का पूछेंगे तो डेफिनेटली इतना हाई टेम्परेचर जो जा रहा है हमारी हमारी सिटी का वो थोड़ा सा हार्मफुल है बिकॉज़ Uh, गर्मी और यूवी रेडिएशन से इफेक्ट पड़ता तो है ही बट एज सच वेदर के हिसाब से आपको अपना स्किन एंड हेयर का ध्यान रखना चाहिए वेल इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एन आर शो इट वॉज रियली गुड एंड इंस्पायरिंग टू टॉक टू अ लेडी लाइक यू थैंक यू सो मच अनम फॉर हैविंग मी हेयर वेल well, तो आज की हमारी गेस्ट थी डॉक्टर सुरभि शर्मा द गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ वेरी रिनोड डोमेटोलॉजिस्ट जिन्होंने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बाद मेरठ में काफी हाई कर दिए हैं वेल द अचीवर स्टॉक में हमारा आपसे वादा रहता है ऐसे ही कई इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को आपके सामने लाने का और शेयर करना उनकी सक्सेस मंत्रास को मिलेंगे अचीवर स्टॉक के एक नए एपिसोड में ऐसे ही एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ तब तक के लिए देखते रहिए हमारा शो द अचीवर स्टॉक